और मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीकली न्यूज। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की मौत की सजा ने भारत में हलचल पैदा कर दी है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि कतर ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर पता चला कि कतर केवल भारतीय नागरिकों के साथ ही ऐसा नहीं कर रहा, और भी देश है जिनके नागरिकों को जासूस बताकर कतर की अदालत ने सजा सुनाई थी। ये देश कौन सा है, सजा क्यों सुनाई गई थी और क्यों ऐसा किया कतर ने 9 साल पहले की क्या है दास्तान, हम ये जानेंगे। लेकिन कतर के इस करतूत के बारे में जानकर हम कतर के इस रवैये के पीछे की वजह भी जान सकते हैं। ये जानने के साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब मोदी सरकार पर दबाव बनता नजर आ रहा है। इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है, विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। भारत सरकार कतर की अदालत के इस फैसले को चुनौती देगी और भारतीय नौसेना के इन पूर्व कर्मचारियों को मौत की सजा से बचाना भारत के लिए माना जा रहा है डिप्लोमेटिक चैलेंज होगा। आपको बता दें इन 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों के नाम है कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुनागर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश शामिल हैं। ये लोग एक डिफेंस सर्विसेज कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इन 8 लोगों को बीते साल अक्टूबर में कतर में गिरफ्तार किया गया था। 26 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इन पूर्व नौसैनिकों अधिकारियों के परिवार वालों को भी उन आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है जिनके आधार पर इनके खिलाफ मामला चलाया जा रहा है और किस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश करेगी, साथ ही इसे कतर सरकार के सामने उठाएगी। अब चलिए आपको बता दें कि कतर ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। ऐसे पहले कई देशों के नागरिकों को जासूस बताकर कतर ऐसा कर चुका है। करीब 9 साल पहले फिलीपींस के 3 नागरिकों को भी खतरनाक सजा सुनाई गई थी। इनमें से 2 नागरिकों को आजीवन कारावास और 1 को सजाए मौत हुई थी। हालांकि बाद में इनकी सजा में कमी की गई थी। फिलीपींस के इन 3 नागरिकों में 1 कतर जनरल पेट्रोलियम तो 2 अन्य कतर एयरफोर्स के लिए जॉब करते थे। आपको चलिए पूरा मामला बता देते हैं। इन 3 फिलीपींस नागरिकों के ऊपर जासूसी का आरोप लगा था, जैसे अभी भारतीय नौसेना के अधिकारियों पर लगा है। कतर कोर्ट में कहा गया था कि कतर एयरफोर्स के 2 एम्प्लॉयज कतर पेट्रोलियम में काम करने वाले कर्मचारी के साथ मिलकर जासूसी कर रहे थे। एयरफोर्स ने काम करने वाले पेट्रोलियम कर्मचारी को जानकारी देता था। इसके बाद यह जानकारी फिलीपींस सरकार तक पहुंच रही थी। इसके बदले में पैसे का लेन देन भी चल रहा था। मामले में पेट्रोलियम कर्मचारी को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 2 अन्य को आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन बाद में इनकी सजा में बदलाव हुआ। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसे सजा में बदलाव कैसे हुआ। आगे चलकर इस मामले की फिर से सुनवाई हुई। इसके बाद आरोपियों की सजा में भी बदलाव हुए। सुनवाई के बाद मौत की सजा को आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया गया। इसके अलावा जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी उन्हें 15 साल की सजा दे दी गई। फिलीपींस की तरफ से मामले को और आगे ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे ही भारत भी कानूनी कार्रवाई करके अब कतर को चुनौती दे सकता है। भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है, जो कि भारत के लिए बेहद ही दुखद बात है। अब भारत कतर को चुनौती देगा, देखने वाली बात होगी कि कैसे देगा। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।